आर्टिकल्स का हिंदी में मतलब होता है अनुच्छेद, इसी का मतलब होता है लेख, इसी का मतलब होता है समान, बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, ये मैंने देखे। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं साथियों, कौन कौन से? एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं ए और एन, ए और एन आते हैं इनडेफिनिट के अंदर, और डेफिनिट के अंदर आता है आपका द। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। चलो बात करते हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन कहां यूज होता है, कहां पे हम इसको प्रयोग में लेते हैं। अनिश्चित एक वचन एवं गिनने योग्य संज्ञाओं से पहले, यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते हो और वो एक होनी चाहिए और जिसको हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 करके गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए साथियों, पेन से पहले क्या लगाया मैंने, एक पेन, पेन को गिन सकते हैं। एन ऑरेंज, ऑरेंज को गिन सकते हैं। बुक को गिन सकते हैं, यहाँ पे 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट को गिन सकते हैं। ए यूरोपियन यानी यूरोप का एक निवासी, इसको गिन सकते हैं। रूम, ऑक्स, एक्सरे मशीन, इन सबसे पहले हम लोगों ने क्या यूज किया है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन यूज किया है। आगे हम लोग सेपरेट करेंगे कि ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। द का प्रयोग हम लोग निश्चित संज्ञाओं से पहले करते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन, गिनने योग्य हो या ना गिनने योग्य हो, सभी से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जैसे देखो द सन, सन अपनी तरफ का निश्चित हो गया ना, एक ही सन है सूर्य। द स्टार्स बहुवचन हो गया, लेकिन तारे जो रात्रि में टिमटिमाते हैं उन्हीं को हम लोग स्टार्स कहते हैं। ये जो द है ना साथियों, इस द को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो हम लोग इसको पढ़ते हैं द और एक हम लोग इसको पढ़ते हैं दी। अब ये कहां कहां पढ़ते हैं, कहां द पढ़ते हैं, कहां दी पढ़ते हैं? तो द पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन ध्वनि से पहले। किससे पहले? व्यंजन ध्वनि से पहले। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तब हम इसका उच्चारण द करेंगे। और दी कहां करेंगे? स्वर ध्वनि से पहले। जब भी स्वर ध्वनि यानी स्वर की आवाज आएगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम लोग दी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे द मैन, द मैन, यहां पे देखो मैन मां इसकी ध्वनि दे रहा है, व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। इसमें देखो स्वर वाले में जैसे दी एंड, हम लोग मूवी देखते हैं उसके अंदर आता है ना लास्ट में दी एंड, द एंड नहीं होता, दी एंड, एंड हो गया। अब बात करते हैं आगे इनके अलग अलग यूज की। गाइस जो अंग्रेजी की अल्फाबेट होती है ना वर्णमाला, उस वर्णमाला में अल्फाबेट में हमारे कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर्स हमारी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो 26 लेटर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं वोवेल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं हम लोग व्यंजन। अब बात करें वोवेल्स, इनकी दो प्रकार की चीजें मैंने सिखाई हैं, एक तो लेटर्स यानी कि ये जो अक्षर होते हैं ना वर्ण, ये कितने होते हैं वर्ण, और दूसरी तरफ सिखाई है इनकी साउंड यानी कि इनकी ध्वनि। क्या सिखाई है, ध्वनि सिखाई है। अब बात करें स्वर कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। आपको इनसे कोई भी मतलब नहीं रखना कि स्वर हमारे कितने होते हैं, बिल्कुल भी मतलब मत रखना जब भी आर्टिकल यूज करें। हमें सिर्फ मतलब किससे रखना है, इससे, साउंड से मतलब रखना है, यानी आ से लगा करके ए तक की ये साउंड देते हैं हमारे ये 5 स्वर, हमें इस साउंड से लेना देना रखना है। लेटर कोई भी हो, डजंट मैटर, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है इसकी साउंड। तो देखिए कॉन्सोनेंट के अंदर भी यही होता है कि जो हमारे 21 लेटर्स होते हैं ना यानी वर्ण होते हैं, वो हमारे व्यंजन होते हैं, यानी इन 5 को छोड़ दें ए ई आई ओ यू तो बाकी के 21 हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। फिर बात करें इनकी साउंड्स की, तो यानी ध्वनि की, तो का से लगा करके ज्ञा तक की ये साउंड देते हैं हमें। आर्टिकल्स के अंदर ये साउंड ही चाहिए, ना कि हमें इन लेटर्स से कोई लेना देना नहीं रखना। साउंड ध्यान रखने हैं,
अब देखिए साथियों, हमारे जो इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज हमारे चल रहे थे कि स्वर ध्वनि होगी उससे पहले हम लोगों को लगाना है एन, यानी इससे पहले। देखो ये स्वर आ गया और इसकी आ गई ध्वनि, इनसे पहले क्या लगाएंगे एन। और व्यंजन ध्वनि से पहले, देखो व्यंजन ध्वनि कहाँ है, ये रही व्यंजन ध्वनि, यानी का से लेके ज्ञ तक शुरू करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए आएगा, ध्यान रख लो। लेकिन नाउन मैंने पहले ही सिखा दिया, एक वचन होगी और गिनने योग्य होगी, जिसको हम लोग 1 2 3 करके गिन सकते हैं, जैसे ए पैन, ए बोर्ड, ए लाइट, ए फैन, इस तरीके से। अब देखिए एग्जांपल से सीखते हैं हम लोग। अब देखो यू, यू देखने में तो हमारा क्या है, देखो लेटर यू हो गया हमारा स्वर, लेकिन यहां स्वर व्यंजन का खेल मैंने खत्म कर दिया है, काट दिया है काट दिया दुधारी तलवार से। आप यहाँ पे किसकी साउंड दे रहा, या की साउंड दे रहा, ए यूनिट, ए यूनियन, ए यूनिटी, सब लोग ए एक की बात कर रहे हैं ना, यूनियन यानी एक संगठन हो गया, संघ हो गया, यूनिट इकाई हो गई, यूनिटी का मतलब भी अपनी यही होती है संघ। अब ये देखो पढ़ के ई डब्ल्यू ई, इसको हम लोग पता है क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग यू, और इस या की साउंड दे रहा क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि या हमारा क्या है व्यंजन है, और व्यंजन ध्वनि से पहले ए लगाना है। देखो ऑक्स, ऑक की आवाज दे रहा, आ से लेके इनकी आवाज दे रहा स्वर की, तो एन लगाएंगे। एमएलए, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एम तो व्यंजन है, गोली मार दो, गोली एक के 47 उठा लो, गोली मार दो स्वर व्यंजन को, सिर्फ आप याद रखो साउंड को, ध्वनि को, ध्वनि को आवाज याद रखो। देखो एम एल ए, तो ए की ध्वनि दे रहा एम एल ए, तो क्या लगा देंगे एन लगा देंगे। इसको देखो एल डी सी, एन एल डी सी आ जाएगा, एन आवर, यहाँ एन साइलेंट हो जाएगा, देख लो मुद्दा इस की क्लास में एन आवर। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एन एयर, एयर पढ़ेंगे, हेयर मत पढ़ना, एच ए आई आर होता है बालों वाला, बालों वाला हाँ हेयर, लेकिन ये एयर इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, जैसे राजा की गद्दी पर जो बैठता है ना वो बच्चा उसका, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। अगला एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट मैन, एन एफ आई आर। एक चीज देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट, इस अकेले ऑनेस्ट से पहले कोई आर्टिकल मत लगाना, क्योंकि ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, विशेषण है, और अकेले विशेषण से पहले आप सोचना भी मत। आगे देखते हैं गाइस, देखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स की जो स्थिति है ना, ये कहां पे स्थित होती है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के लिए होता है, संज्ञा के लिए होता है, ध्यान रखना। जैसे देखिए ये आया बॉय, बॉय से पहले क्या आया ए आया, बॉय हमारा क्या है एक संज्ञा है, एक नाउन है। अब नाउन आप लोग सब जानते हो किसको कहते हैं, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, छोटा हो बड़ा हो, गिनने योग्य हो ना गिनने योग्य, ये सब लोग क्या होते हैं नाउन होते हैं। नाउन को हम लोग क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। तो सीखिए कि जो नाउन यूज करेंगे ना हम लोग, नाउन के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे। अब ये आर्टिकल यूज हुआ इसके लिए, अब जब यहाँ में ये जोड़ दिया हम लोगों ने, इसमें एडजेक्टिव आ गया Honest, तो यहाँ पे ये बॉय है ना आगे खिसक जाएगा। अब ये जो आर्टिकल है आपका कहाँ आएगा, इस ऑनेस्ट से पहले आएगा। क्या ये ऑनेस्ट के लिए आया, नहीं, अकेले ऑनेस्ट के लिए नहीं, ये बॉय के लिए आया है, लेकिन ये साउंड किसकी लेगा, अपने पड़ोसी की लेगा, इसकी, इसको पढ़ेंगे हम लोग ऑनेस्ट, ठीक है। इसमें ये आया एडजेक्टिव जुड़ गया। अब जब इसमें एक इस एडजेक्टिव से भी पहले एडवर्ब जुड़ जाए तब आर्टिकल कहाँ जाएगा, इससे पहले इधर आ जाएगा। ये आर्टिकल आया तो इस बॉय के लिए है, लेकिन इसकी जो स्थिति है ना वो उनसे आगे वाले शब्दों से हो जाती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे ए, इस वेरी की साउंड लेगा, यहाँ पे इस ऑनेस्ट के हिसाब से लगाया तो ये ए एन आया। अगले एग्जांपल में भी देखिए, मेन के साथ में हमने ए लगाया, लेकिन जब इसमें एक्सीलेंट आ गया मेन के साथ तो फिर एन लगाया,
और वेरी एक्सीलेंट आ गया, तो फिर वेरी के हिसाब से हमने क्या लगाया, ए लगाया। ध्यान रखना अकेले एडजेक्टिव के लिए, अकेले एडवर्ब के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं आता। तो यहाँ पे देखो गुड माने अच्छा, ऑनेस्ट, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, फैट, लवली, मार्वलस, इन सबसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। ध्यान रखना अकेले एडजेक्टिव के लिए नहीं, ये आर्टिकल इसके लिए बने हैं, नाउन के लिए बने हैं। चलो आगे देखते हैं, स्पेशल यूजेस ऑफ ए एम। गाइस हम लोग सीखेंगे ए और एम के स्पेशल यूजेस, कहां पे इनके विशेष प्रयोग होते हैं, उस पे जहां पे बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन उठते हैं वो चीज हम लोग सीखते हैं। चलो बात करते हैं कि जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो, नाउन यानी संज्ञा की तरह हो, तो हमें उससे पहले क्या लगाना है, ए या एन में से लगाना, उसके उच्चारण के हिसाब से। सिखा दिया मैंने पहले, साउंड सिखाई, अल्फाबेट को भागों में बांटा दो में, है ना, हाँ अच्छी से। अब देखो, आई गो, मैं जाता हूँ, फॉर अ वॉक डेली, मैं रोजाना घूमने जाता हूँ। तो यहाँ पे वर्ब हो गई हमारा जाना, लेकिन ये टहलने के लिए, टहलना हमारा यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे टहलना क्या है, एक नाउन है। गो हो गई मेन वर्ब, लेकिन ये किसका काम कर रही है, नाउन के, नाउन का काम कर रही है। वॉक यानी टहलना भी होता है और ये नाउन भी होती है। इसको देखो, सी हैज गॉन, वह गई हुई है, फॉर ए राइड यानी सवारी के लिए, सवार होने के लिए, सवारी करने के लिए। तो ये सवार करना क्या हो गया, राइड, हमारा नाउन की तरह इस वर्ब को यूज लिया है। वैसे तो ये वर्ब होती है, और भी बहुत सारी वर्ब हैं, जैसे फॉर ए स्विम, तैरने के लिए, ठीक है, और फॉर ए राइड, फॉर ए ड्रिंक, फॉर ए बैथ, ये सारी चीजें आप लोग, ये काफी वर्ब में दे रहा हूं, जैसे रेस्ट आ गया, है ना, स्विम आ गया, रेस्ट स्विम, और बेथ आ गया, ये बेथ, ठीक है, और भी बहुत सारी वर्ब्स आपकी यूज होती हैं जो नाउन की तरह काम में लेते हैं, उनसे पहले हम लोग ये यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होने वाला, कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बार बार रिपीट हो, जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, यानी पुनरावृत्ति, यहां मैं कोई लिख देता हूं तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन बार बार रिपीट हो, सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल गिनने योग्य, और नाउन का मतलब संज्ञा, कैसी हो, कैसी हो, रिपीट हो, तो पहली बार उससे पहले एन लगाना है, ए या एन में से, और बाद में आने पर उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द। जैसे देखिए, वंस देयर वॉज, खाली जगह किंग, और अगली लाइन में भी ये किंग डाल दिया उसने, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आया तो हम लोग क्या सीखा, कि पहली बार आएगा तो लगाएंगे ए या एन में से, तो देखो किंग से पहले क्या जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, किंग बाद में भी रिपीट हुआ है, कितनी भी बार किंग आ जाए, पहली बार आया ए या एन में से सोच लिया, दूसरी बार आया लगा देंगे द, द लगा दो। अगला एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे बॉय केम टू मी, कल मेरे पास एक लड़का आया, तो ये पहली बार आया ए लगा दो, और सेकंड टाइम रिपीट हुआ है द लगा दो। कितना सिंपल है ना, सिंपल आके सर की क्लास में। चलो बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। देखिए नियम नंबर 3, कि जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले, किसी प्रॉपर नाउन से पहले जब वह वक्ता के लिए अननोन हो, तो क्या यूज करेंगे, ए या एन में से यूज करेंगे, उसके उच्चारण के हिसाब से। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब किसी विशेष नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूं पेन, अब पेन या मार्कर, मार्कर तो बहुत ही, पेन तो बहुत ही, लेकिन मैंने कहा रिनॉल्ड्स, रिनॉल्ड्स मार्कर, अब ये विशेष हो गया ना, निश्चित हो गया ना, तो क्या लगाएंगे, अभी सीख लिया ना, ये निश्चित हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे मैं कहूं लड़का, लड़के खड़े हो, अब सब लड़के सोच में पड़ गए, राकेश सर किसकी बात कर रहे हैं, किसको खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कह दिया और राम खड़ा हो, राम विशेष अलग निकल के आ जाएगा, तो वो बिल्कुल अलग हो गया, विशेष हो गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, कोई खास नाम। ठीक है, देखो अब ये देखो वक्ता के लिए अननोन हो। अब जैसे हमारे घर पे कोई व्यक्ति हमसे मिलने आया, ठीक है, हम उसको जानते हैं, वो हमें जानता है, लेकिन हमारे बच्चे उसको नहीं जानते और हम कहीं पे गए हुए थे, गए हुए हैं, ससुराल गए हैं बूढ़ो खाने के लिए, ससुराल में गए हुए हैं रक्षाबंधन के पर्व पर। अब बच्चों को छोड़ गए भाई, घर पे भी कोई रहना चाहिए, अब चले गए, पीछे से कोई आया तो पूछा, बेटा आपके पापा हैं घर पे? अंकल नहीं है, वो तो हाँ मामा के गांव गए हुए हैं। तो बच्चों ने बता दिया, अब उन्होंने बताया कि बेटा आए तो बोलना कि श्रीमान मुकेश जी आए थे। अब मुकेश जी को आपके फादर जान रहे लेकिन बच्चे नहीं जान रहे, बच्चे नहीं जान रहे तो हम लोग बच्चों के लिए क्या हो गया, वो अननोन हो गया, अननोन हो गया तो हम लोग क्या लगाएंगे, देखो मिस्टर इससे पहले लगा देंगे ए, जैसे ए मिस्टर राकेश वांट्स टू मीट यू, कोई श्रीमान राकेश आपसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कहने का मतलब अननोन हो गया। ऐसे कि मिस्टर मोहन गेव मी दिस बुक, कोई श्रीमान मोहन ने मुझे यह बुक दी थी, श्रीमान मोहन को मैं नहीं जानता लेकिन जिसको बुक देनी है वो जानता है, तो वो मेरे लिए अननोन हुआ, अनजान हुआ, तो उस अनजान से पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ऐसी देखो ए मिसेस सुमन कॉल्ड यस्टरडे, किसी श्रीमती सुमन ने कल कॉल किया, कॉल किया, अब जानती नहीं, हो सकता है हम लोग जाने लेकिन हमारे बच्चों ने उठाया हो, हमारी फैमिली ने फोन उठाया हो, तो उसके लिए वो कौन हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, इससे पहले लगा देंगे ए। अगला देखिए कि जब किसी महान व्यक्ति के गुणों के संबंध में, कोई महान व्यक्ति के गुण है उसके संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाती है ना, उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए या एन। जैसे कोई बढ़िया क्रिकेट खेलता है, गांव में बच्चे चौके छक्के मारते हैं, गली गली में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, जरूरत है हमें उसके तराशने की। मैं बात करता हूँ कि जैसे कोई अच्छा खेलता है, अरे सचिन तेंदुलकर है मेरा बेटा, तो कहते हैं सुना, अरे तेंदुलकर बन रहा, तेंदुलकर है छोरा तू तो, हाँ बोलते हैं, तो यू आर ए तेंदुलकर। तेंदुलकर के गुण कैसे हो कि वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, महान क्रिकेटर रहा है तेंदुलकर, तो इससे पहले क्या लगाया, ए लगाया, इस ही की हमने क्या दिए पहचान इस तेंदुलकर से। देखो सी जे हिटलर, वह तो हिटलर है, मतलब वो वास्तव में हिटलर नहीं है, उसके गुण है ना वो हिटलर जैसे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। योर फादर इज ए गांधी, तुम्हारे पिता तो गांधी है, गांधी का मतलब गांधी जैसे विचारधारा वाले है ना, वो एकदम कैसे हैं, गांधी जैसे विचारों वाले। अगला देखिए ही इज ए कालिदास, वह तो कालिदास है, कहने का मतलब वो कालिदास नहीं है, कालिदास तो आपसे काफी साल पहले स्वर्ग को सिधार गए, लेकिन वो कालिदास की तरह एक अच्छे कवि हैं, महान कवि हैं, इसलिए उसके गुणों की तुलना किसे की, कालिदास से की। गाइस ये हमारी ए और एन के इंडेफिनिट रूल्स की वीडियो है, अब अगली वीडियो मैं फिर दूंगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए गाइस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए, और गाइस कमेंट्स में जरूर रूप से बताना कि वीडियो कैसी लगी, अपने विचार अवश्य उसमें प्रकट करना, चाहे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग लेके आना, मैं आपके डाउट सॉल्विंग ये आपकी क्लास रखूंगा। तो गाइस फिर मिलता हूँ ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए राकेश सर के साथ, बाय बाय।